मैनपुरी जो लोकसभा है, और एक नेताजी का बड़ा कद था, बड़ा नाम था, और हर वर्ग से उनका लगाव भी था। मैं मानता हूँ कि हर पार्टी में भी लगाव था, और इस नाते नेताजी के बड़े कद को देखते हुए वो वहाँ से जीतते रहे। चूंकि आज वो नहीं है और उपचुनाव हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से और बड़ी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेगी। जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, उन्होंने तो अपना कैंडिडेट घोषित किया है। जैसा उम्मीद थी कि परिवार से वो अखिलेश जी बाहर नहीं निकलेंगे, आजमगढ़ का चुनाव हुआ तो उन्होंने परिवार के अपने भाई को लड़ाया, मैनपुरी का चुनाव हो रहा है तो अपनी धर्मपत्नी जी को लड़ाया, डिंपल को। जो पार्टी के और सारे कार्यकर्ता हैं, मैनपुरी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं लोकसभा के, जिनकी भी इच्छा थी उनको पूरी तरह वंचित रखा गया है। जिस लोकतंत्र की वो बात करते हैं, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, परिवारवाद की स्पष्टता हम सबको दिख गई है। और इस सब को ध्यान में रखते हुए पार्टी निश्चित रूप से दो दिन में बैठ के निर्णय करके, और जो प्रोसेस है हमारी पार्टी का कि उत्तर प्रदेश दिल्ली भेजेगा नाम, और वहाँ से ऐसा कैंडिडेट घोषित जरूर होगा जो यहाँ पर कमल खिला सके।